तो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सब? आशा सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। तो गाइस, आज का ब्लॉग हो रहा कार से शुरू और मैं लेने जा रहा हूँ सामान। कि जैसे आपको बताऊँ कि घर पे चल रहा है काम, जोरों शोरों से चल रहा है, अभी जोरों शोरों से घर में काम चल रहा है, तो उसका ही उसी का सामान लेने जा रहा हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, अभी 10-15 दिन हो गए काम लगे हुए, तो इसलिए थोड़ा वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला मुझे, ना टाइम मिला इतना सामान लाने में आने में। ये व्यस्त है ना, जैसे कि आप देख पा रहे मेरी भीड़ कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, काम करके टाइम नहीं लग रहा गाइस। अभी फिर जा रहा सामान लेने, पेंट का काम करवाया हुआ गाइस, प्लस्तर प्लस्तर का ख़त्म हुआ, लेड का ले लिया। क्या यार, चाचा जी सुनते भी नहीं है बीच में। इसके बाद अभी मैं जा रहा हूँ शामी जाकर बाल्टियाँ लेने दो सुरक्षा प्लस की, क्योंकि स्वेती सूती वाला काम चल रहा है, पेंट पुंट तो वो उसमें यूज़ हो रही है, पुट्टी पाटी भी लानी है, गेट वाला काम बच गया। तो अभी तो मैं पहले पहुँच रहा हूँ, शॉर्ट्स डाल रहा था गाइस मैं, केदारनाथ की जैसे कि आपने देखा ही, उसकी शॉर्ट्स डाल रहा था, वीडियो में शॉर्ट्स डाल रहा था उसकी। बस पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर में, थक जाता बंदा गाइस काम कर करके। कल 8 बजे तक मिस्त्रियों के साथ खुद लगे रहे, बार बार आगे काम करवाया, बाहर प्लस फर्श डलवाया पूरा, जहाँ पे वो था क्या बोलते हैं गेट के बाहर, जैसे आपको देखा आपने, पूरा आगे वाला पूरा प्लेन कर दिया है, वहाँ पे पूरा प्लस्तर करवा दिया हमने, फर्श डलवा दिया पूरा हमने नीचे की तरफ। जब बारिश पूरी जाती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह हो जाता, तो इसलिए हमने काम ख़त्म कर दिया वो। चलो तो गाइस मैं पूछता हूँ, मैं करता हूँ आपसे बाद में बात। तो गाइस मैं गांव आया हुआ था, मेल थी हमारी, तो मैं कार में आया सुबह सुबह मंडी की शूट करने का, तो अभी हम वापस जा रहे हैं। मम्मी नहीं आए, मैं अकेले आया था, तो और आगे जा रहे हैं, एक पीछे आ रही है गाड़ी फौज वाली, अगर आपको दिख रहा हो अच्छे से, लाइट पड़ रही है पीछे से, अभी हरियाली देखोगे गाइस यहाँ पे फसलों की हरियाली, ये देखो गाइस यहाँ पूरे खेत ही हैं, खेत वहाँ तक सामने दिख रहा है, वो पेड़ दिख रहे हैं सामने, इससे आगे भी खेत ही खेती हैं यहाँ पे, इतने खेत हैं। ये आर्मी वाले की गाड़ी जा रही है गाइस यहाँ पे, यहाँ कोई ताऊ चला रहा है, भैया साथ में बैठे हुए हैं, ताई बिच बैठी हुई है, ताको थोड़ा मेरे को लगा कम आती है चलाना, बंद हो गई थी अभी, उन्होंने स्टार्ट की वापस, धीरे धीरे जा रहे हैं गाइस, 32-31 पे जा रहे हैं सिर्फ। एक और आ गई, देख रहे हो व्यू, चेक करो गाइस व्यू, हाँ किसे देख लो, तो गाइस हम रामे वाली साइड से नहीं आ रहे हैं, हम ऊपर की साइड से जा रहे हैं, दूसरे वाले रास्ते से जो सीधा खोड़ी निकलेगा, देख रहे हो पीछे भैया की गाड़ी आ रही है, पीछे छोटे छोटे बच्चे, मैं चाहूँ इनसे तेज भी जा सकता, पर मैं सुबह भी अकेले आया तो मन नहीं करा भी अकेले अकेले जाएं, इसलिए चलते हैं थोड़ा आराम आराम से, मामू पास भी जाएंगे, वहाँ पे भी बैठेंगे जाके 10-15 मिनट, उसके बाद देखते हैं चलेंगे, गप गुप मारेंगे उधर बैठ के। तो गाइस अभी मैं पहुंचा था खनूर वाले पुल पे,
और इधर गाइस जो तबाही मची हुई है क्या बताऊं आपको। इतना सुबह भी मैं जब आया इतना रश था गाइस, इतना रश, और अभी तक रश है कि जा नहीं रहा। पीछे देख पा रहे हो गाड़ी, अगर दिख रही हो तो नहीं दिख रही, कोई चक्कर नहीं गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको, वेट करो। देख रहे हो, देखो इतना रश है गाइस, देख रहे हो पीछे ट्रैफिक जाम है गाइस, ट्रैफिक जाम। और अभी इधर गाड़ी बज गई ना कहीं तो कम हो जाना। सुबह भी गाइस बजते बजते बची थी, पता नहीं था रश क्यों गाइस आज। आज इधर दो दो लाइनें डाली हुई है ना, इसलिए मेरे को लग रहा है इसलिए रश है। इधर दो दो लाइनें डाली, इतना रश हो गया दो दो लाइनों से। चलो बल्ले बल्ले, चलो बल्ले बल्ले। आज मैं निकल के करता हूँ बात, क्योंकि अगर गाड़ी ठोक गई है तो मम्मी मुझे ठोक देगी।